पुलिस कर्मियों की मौत का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार यानी आज सुबह कानपुर एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर सचेंडी थाना क्षेत्र में किसान नगर नहर के पास हुआ। एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे को 4 गोलियां लगी और इस पूरी मुठभेड़ में 2 इंस्पेक्टर 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। विकास को उज्जैन से लाते वक्त सुबह 6:30 से 6:45 बजे के बीच मार गिराया गया। सूत्रों की माने तो गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 3 एसटीएफ के जवान थे। घटना के वक्त कानपुर के सचेंडी इलाके में बारिश हो रही थी, इसी दौरान गाड़ी पलट गई। विकास पिछली सीट पर बैठा था, गाड़ी में उसके दोनों तरफ एसटीएफ के जवान थे। गाड़ी पलटी तो विकास ने भागने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी की 9 mm की पिस्टल लेकर वो भागा, पलटकर गोली चलाई। एसटीएफ के 6 जवान इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है विकास दुबे हैलेट हॉस्पिटल पहुंचने तक जिंदा था, उसकी हालत गंभीर थी। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त विकास वही नीली धारी वाली फुल टी शर्ट लोअर पहने था जो उसने गुरुवार को उज्जैन में गिरफ्तारी के वक्त पहनी। विकास को एनकाउंटर के बाद सीधे एक गाड़ी से हैलेट अस्पताल लेकर जाया गया। ये गाड़ी एसटीएफ के काफिले में शामिल थी। अस्पताल पहुंचने के 20-22 मिनट बाद विकास की मौत हो गई। हालांकि इसकी पुष्टि काफी देर बाद की गई है। विकास दुबे को सीने और कमर में 4 गोलियां लगी। अभी तक जो जानकारी यहां पर सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें, एक्सीडेंट के बाद विकास दुबे ने गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की थी। एसएसपी बताते हैं गैंगस्टर विकास दुबे को ला रही गाड़ी पलट गई, वो किसी तरह बाहर निकला, घायल सिपाहियों की पिस्टल छीनकर भागने लगा। एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। वेस्ट कानपुर के एसपी बताते हैं विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए कहा गया लेकिन उसने पीछे पलटकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग जब यहां से जवानों ने की तब जाकर विकास दुबे मारा गया। गाड़ी पलटने के बाद घायल एसटीएफ के पुलिसकर्मियों की पिस्टल विकास दुबे ने छीनी थी। पुलिस सूत्रों के आधार पर जो खबर मिली है, खराब मौसम के कारण गाड़ी पलटी और उसके बाद ये सारी घटना हुई। गाड़ी में विकास बीच में बैठा था, अगल बगल कमांडो थे। गोली लगने से बुरी तरह घायल हुआ, अस्पताल उसे लेकर जाया गया। 20-22 मिनट बाद उसने वहां दम तोड़ दिया। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।